कांगड़ा बाईपास मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बनेर खड्डे में गिरने से टांडा बाईपास मार्ग अवरुद्ध हो गया। वाहनों की आवाजाही कांगड़ा बस अड्डा से जाने के चलते सड़क पर बार बार ट्रैफिक जाम लग रहा है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जगह जगह पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। मलबा गिरने के चलते पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन टूट चुकी है। कांगड़ा टांडा बाईपास मार्ग को सुधारने और वाहनों के लिए बहाल करने के बारे में उपमंडल अधिकारी कांगड़ा नवीन तंवर ने कहा कि उक्त मार्ग के खुलने के लिए एनएच विभाग से बात की गई है। उक्त मार्ग को कुछ ही दिनों में वाहनों के लिए बहाल कर दिया जाएगा और पेयजल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन उक्त सड़क का एक बड़ा हिस्सा गिरने से टूट गई थी उसकी मरम्मत करवा दी गई है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 88 पर मशीन को फिलहाल के लिए रखा गया है ताकि बारिश के कारण फिर से भूस्खलन होता है तो उक्त मार्ग को तुरंत वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया जा सके। NH88 पे जो बाईपास रोड है ये परसों जो हैवी रेनफॉल हुआ उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसकी बहाली के लिए NH अथॉरिटीज से जो बात हुई है उसमें करीब जो है हफ्ते 10 दिन का ये लोग अभी समय बता रहे हैं, लेकिन उसके उससे पहले ही ये लोग अल्टरनेट प्रयास करने इन्होंने चालू कर दिए हैं कि उस रोड को जो है पहाड़ी वाली साइड से थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको कुछ बहाल किया जा सके। जब तक कि पूरी तरह से ये रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक टेम्परेरी बेसिस पे कुछ बहाली इसकी की जा सके उसका प्रयास इसमें चल रहा है। बिजली की लाइन भी है और कुछ अच्छी बात तो थोड़ी ये है कि वो मेन हमारी बिजली की लाइन नहीं है, वो स्टैंड बाय एक तरह से लाइन है तो उससे बिजली आपूर्ति जो है उसकी भरपाई करने उसकी पूर्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके जो XCN हमारे HP SCBL के हैं उन्होंने इसका प्रयास जो है जारी कर दिया है कि उसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए। बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है लैंडस्लाइड का, तो इसीलिए जो भी प्रयास हो सकते हैं इसके लिए किए जा रहे हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग में ये रहे और वन वे ट्रैफिक का जिस तरह से संचालन हो सकता है और जो अगर मलबा गिरता है तो उस चीज़ के लिए मशीन्स का स्टैंड बाय पे होना, ये सभी प्रयास जो है इसमें किए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे जल्द से जल्द इसका सारा मलबा हटा के इसको वापस बहाल हम लोग कर लेंगे।